आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधि में लिखा था, यह अवधि भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है, यानी गाना कोई और गाया जा रहा है जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी, 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। साथियों, इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं।
भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाली ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक है। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है घोटाले हैं, नफरत है घोटाले हैं, तुष्टिकरण है मन काले हैं, नफरत है घोटाले हैं, तुष्टिकरण है मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। आजकल आप देखते हैं कि देश में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, हमारे युवा बड़ी संख्या में पेटेंट करा रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहे हैं। पॉट की दुनिया में मेरे देश के नौजवान छाए हुए हैं, बेटियां कमाल कर रही हैं। ये युवा शक्ति हमारे देश में पहले भी थी, लेकिन इन परिवारवादी पार्टियों ने कभी देश के सामान्य युवा की शक्ति के साथ न्याय नहीं किया। इनकी एक ही विचारधारा है, एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है देश का विकास रोकना, अपने कुशासन पर पर्दा डालना और अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को रोकना। अब देखिए, ये जो जमात इकट्ठी हुए हैं ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहां सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून खराबा हो रहा है, इस पर भी इन सबकी बोलती बंद है। कांग्रेस के लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता
वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। राजस्थान में बेटियों से अत्याचार हो या परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हो, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। परिवर्तन की बातें करके जनता से विश्वासघात करने वाले जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है। इनका कट्टर भ्रष्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बंद हो जाता है जब देश की कोई एजेंसी इन पर कार्रवाई करती है तो उनका टैप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है, कुछ हुआ ही नहीं, सब साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। आप तमिलनाडु में देखिए, भ्रष्टाचार के घोटाले के अनेक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके कुनबे के सारे दलों ने पहले ही सबको क्लीन चिट दे दी है, इसलिए इन लोगों को पहचाने रहिए साथियों, उनको जान लीजिए, इन लोगों से सतर्क रहिए भाई बहनों। साथियों, इन लोगों की साजिशों के बीच हमें देश के विकास के लिए खुद को समर्पित रखना है। आज दुनिया में अनेक उदाहरण हैं जहां द्वीपों ने और समुद्र किनारे बसे छोटे देशों ने अभूतपूर्व प्रगति की है। जब उन्होंने प्रगति का रास्ता चुना तो उनके सामने भी चुनौतियां थी, सब कुछ सरल नहीं था, लेकिन उन देशों ने दिखाया है जब विकास आता है तो हर प्रकार के समाधान लेकर आता है। मुझे विश्वास है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो रहे विकास के काम इस पूरे क्षेत्र को और सशक्त करेंगे। कनेक्टिविटी की ये नई सुविधा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल्स सबके लिए लाभकारी हो, इसी कामना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के इस कार्यक्रम में भी इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए, आपकी खुशी में यहां से अनुभव कर रहा हूं, आपका उत्साह में अनुभव कर रहा हूं। ऐसे मौके पर एक नया विश्वास, नया संकल्प लेकर के देश आगे बढ़े, अंडमान निकोबार भी आगे बढ़े, इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।